हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपके दोस्त नेहा चौबे, और बाल की जरा लेकर आ रही बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरें। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आज की पहली खबर से शुरुआत करते हैं। टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन और फर्स्ट रनर अप अरुणिता कांजीलाल को लेकर खबरें थी कि दोनों जल्द ही दिशा परमार और नकुल मेहता के शो बड़े अच्छे लगते हैं 2 में नजर आएंगे। अब मेकर्स ने स्पेशल एपिसोड का प्रोमो जारी कर दिया है, जिसमें दोनों की शानदार जोड़ी परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, सभी घर वाले अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पाए। दोनों की आवाज और जुगलबंदी ने तो काम ही अच्छा कर दिया। पूरा माहौल एकदम हल्का हो गया और सारे लोग झूमते और नाचते हुए नजर आए। आप भी देखें इस प्रोमो को। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी दमदार एक्टिंग से सभी का दिल तो जीता ही है, लेकिन अक्षय कुमार अपने किरदार को बखूबी पर्दे पर भी निभाते नजर आते हैं। अक्षय कुमार अपनी दिनचर्या को लेकर भी खासी लोकप्रियता बटोरते हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म बेल बॉटम को थिएटर में रिलीज किया था, जो दर्शकों को काफी पसंद आई थी। अब फिल्म में नाम कमाने के बाद अक्षय कुमार जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाले हैं। अक्षय कुमार द एंड वेब सीरीज में नजर आएंगे। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को यहां खुशखबरी दी है। उन्होंने द एंड वेब सीरीज का पोस्टर रिलीज करते हुए संकेत दिए कि वह जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर आग लगाने वाले हैं। अक्षय कुमार की इस वेब सीरीज को मार्च 2019 में ही रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट के संबंध में अपडेट सामना नहीं कर पाए और यहां प्रोजेक्ट रुक गया। अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब अक्षय कुमार OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। अक्षय कुमार 2021 में इस वेब सीरीज को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी शूटिंग रोक दी गई थी। जानकारी के अनुसार अब इसकी शूटिंग 2022 तक पूरी हो जाएगी और यह अगस्त 2022 में अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो सकती है। एक्ट्रेस निकी तंबोला, जिन्होंने बिग बॉस 14 में पार्टिसिपेट करने और सेकंड रनर अप बनने वाली बाद पॉपुलैरिटी और फेम मिला। खतरों के खिलाड़ी 11 में हिस्सा बनकर, हालांकि जब विशाल आदित्य सिंह के साथ शो में एलिमिनेट हो गई तो फिनाले में जगह नहीं बना पाई। देखिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस में, उनकी क्या फीलिंग्स रही और खतरों के खिलाड़ी में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने एक एक दिन बिग बॉस का बिताया है, गुजारा है और इंजॉय भी किया है। आप भी देखें इस वीडियो को और जरूर कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और ऐसी और वीडियोज आपको मिलती रहेगी, जरूर सब्सक्राइब कीजिए SWB को। दीपिका पादुकोण और VP सिंधु पिछले कई दिनों से एक साथ नजर आ रही है। हाल ही में दीपिका पादुकोण ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह ओलंपिक मेडल विनर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के साथ बैडमिंटन खेलती नजर आ रही है। अब दीपिका पादुकोण ने एक नए वीडियो शेयर किया है, जिसमें वहां एक और PV सिंधु तो दूसरी तरफ इस वीडियो में दीपिका नजर आ रही है। इस वीडियो के साथ दीपिका पादुकोण ने लिखा, बताओ कौन जीता, जिसके साथ ही उन्होंने PV सिंधु को भी टैग कर रखा है। दीपिका पादुकोण इस वीडियो में PV सिंधु के साथ बैडमिंटन खेलने की वजह से बता रही है। दीपिका पादुकोण कहती है कि वहां वर्ल्ड चैंपियन के लिए प्रोजेक्ट कर रही थी, उन्हें लगा कि उन्हें इनसे मिलना चाहिए और यह बेस्ट पार्टनर रहेगी। PV सिंधु कह रहती है कि अगर दीपिका पादुकोण बैडमिंटन खेलती है तो वह टॉप प्लेयर होती। हालांकि दोनों ने एक साथ देखकर लोगों PV सिंधु की बायोग्राफी को लेकर भी बात कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण के होने का कह रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में हैं और वहां इसकी शूटिंग में काफी व्यस्त भी हैं। बीते दिन बिग बॉस 15 के लॉन्चिंग इवेंट के आयोजन किया गया था, जिसके दौरान सलमान खान मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए थे। इस दौरान देवल नीना और आरती सिंह भी सलमान खान के इवेंट पर पहुंची थी। बिग बॉस 15 2 अक्टूबर से TV पर दस्तक देने वाला है, जिसके लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं। इन तस्वीरों में बिग बॉस 15 के घर में साफ साफ दिख रहा है कि रिपोर्ट्स में अभी तक बिग बॉस के घर की तस्वीरें सामने नहीं आई थी, लेकिन आपको बता दें कि अब इसकी थोड़ी सी तस्वीरें रिलीज नहीं लीक हो गई है। सोशल मीडिया पर ये लीक हुई तस्वीरें काफी वायरल हो रही है, जिसमें रंगीन बिग बॉस का घर नजर आ रहा है, जिसमें एक पूल भी है। अब इसको देखकर लोग इसको रीशेयर करने से
रोक नहीं पा रहे क्योंकि बिना लोगों के ऑफिशियल स्टेटमेंट या पिक्चर्स के अब ये न्यूज बाहर हो चुकी है। आप भी देखें इन पिक्चर्स को और आपका अंदाजा क्या है हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड एक्टर्स करीना कपूर खान ने बीते 21 सितंबर को अपना 41वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। इस दिन पर उनके परिवार और लोगों के अलावा सेलिब्रिटी ने भी उन्हें बधाई दी। अब अर्जुन कपूर ने 3 दिन बाद उनके बर्थडे को विश किया है। इसके साथ ही अर्जुन कपूर ने अपने मैसेज में देरी की वजह के कारण भी बताए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक्टर्स से अपनी फिल्म भूत पुलिस के सीक्वेंस में शामिल करने के लिए भी इशारा किया है। अर्जुन कपूर ने अपने बर्थडे विश करने के लिए सैफ अली खान और तोमर के साथ एक फोटो शेयर की है। वहीं बैकग्राउंड में करीना भी नजर आ रही है। अर्जुन कपूर ने इस तस्वीर के साथ लिखा, बेबो जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां हो, मैं टीम और नसीब साहब को अपनी इस तस्वीर को करने के कारण खोज रहा था, लेकिन अब मुझे सब जानते हैं कि फोकस भले ही आप पर ना हो लेकिन फ्रेम में आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सेट पर सबसे अच्छा समय रहा। खास बात तो यहाँ है कि उन्होंने भूत पुलिस के सीक्वेंस में शामिल करके करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस स्टोरी को शेयर किया है और उन्होंने इसको रीशेयर करते हुए साथ ही इसको पसंदीदा तस्वीर भी बनाई है। हम आपको बताते चले कि यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश में भूत पुलिस की शूटिंग के दौरान का है। इस दौरान करीना कपूर बेटे तोमर के साथ सैफ अली खान से मिलने गई थी। डायरेक्टर अनिल शर्मा 2001 में रिलीज हुए फिल्म गदर का पार्ट 2 बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें भी अमीषा पटेल अब भूमिका में नजर आएंगी। सब लोग कह रहे थे कि शायद अमीषा पटेल को रिप्लेस किया जाए लेकिन नहीं, वही इसके लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। फिल्म में अमीषा पटेल और सनी देओल के बेटे का किरदार निभाएंगे। जब गदर 2001 रिलीज हुई थी तब उत्कर्ष की उम्र महज 6 साल थी। अब जाकर वो फिर से इसका भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इनके अलावा फिल्म में अनिल के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। उत्कर्ष ने फिल्म जीनियस से बॉलीवुड में एंट्री ली है। अब जब 2001 में रिलीज हुई थी फिल्म तब उत्कर्ष सिर्फ 6 साल के थे। अब लोग बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि कैसे वो लगते हैं और कैसे अब फिल्म का रीमेक किया जाएगा। कहीं वहीं से स्टोरी स्टार्ट की जाएगी या फिर नया दौर होगा। तो आपको बता दें कि इसकी कहानी जहां खत्म हुई थी वहीं से शुरू होने वाली है, यानी कि वे वापस इंडिया लौट कर आएंगे पाकिस्तान से और उसके बाद कहानी चलेगी। अब आगे क्या होता है इसकी खबर हमको जैसे ही मिलती है हम आप तक पहुंचा देंगे। बने रहिए SWB के साथ। अभिनेत्री तापसी पन्नू की फिल्म रश्मि रॉकेट का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। यह फिल्म काफी पसंद की जाएगी। इस फिल्म में तापसी पन्नू एक खिलाड़ी के किरदार में दिख रही है। इस फिल्म के ट्रेलर में तापसी पन्नू एथलीट बनकर अपना दमखम दिखाती भी नजर आ रही है। तापसी फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर 15 अक्टूबर को G5 पर रिलीज किया जाएगा। रेशमि रॉकेट के ट्रेलर को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है और लोग काफी रिएक्शन दे रहे हैं। बता दें कि फिल्म रेशमि रॉकेट में एक आम लड़की की कहानी है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने का सपना देखती है। अपने सपने को पूरा करने के लिए रेशमि जी जान लगा देती है। फिल्म रेशमि रॉकेट को अवकाश खुराना ने डायरेक्ट किया है। अब देखना यहाँ होगा कि यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर अपना कितना जलवा दिखा पाती है। हालिया खबरों की माने तो अजय देवगन दिसंबर के अंत तक दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू कर देंगे। अभी अजय देवगन अपनी फिल्मों मेजे, मैदान, थैंक गॉड और वेब सीरीज रुद्र की शूटिंग के लिए बिजी हैं, लेकिन बता दें कि वो फिर से काम पर लगने वाले हैं। तब्बू, श्रेया सरन और इशिता दत्ता भी नजर आने वाले हैं सीक्वल में और सीक्वल पार्ट के लिए सब कुछ रेडी है, बस शूटिंग करना बाकी है। पिछले साल में उनका निधन हो गया था जिसके बाद अब दर्शकों को बेसब्री से इसका इंतजार है कि पार्ट 2 में क्या होने वाला है। आपको बता दें कि साउथ की रीमेक जो है वो बन चुकी है। साउथ की रीमेक में कंटिन्यू रखा गया है पार्ट को। अब देखना यह है कि बॉलीवुड में ये फिल्म को किस तरह से मोड़ कर पेश किया जाता है या वैसा कि वैसा दिया जाता है। जो भी हो खबर हम आप तक पहुंचा देंगे। बने रहिए SWB के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आ गया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त कल फिर मिलूंगी।